नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए मेरी भाई आप लोग आगरा में गया है और ताजमहल को ना देखकर घर में वापस आ गया है। आप लोग दिल्ली पर गया है लेकिन लाल किला को देखा ही नहीं दोस्तों। तो जब आप लोग घर में आएंगे तो आपके मन में होगा कि भैया हमने आगरा तक पहुंच गया था लेकिन ताजमहल को देखा ही नहीं, दिल्ली पर पहुंच गया था लेकिन लाल किला को देखा ही नहीं। वैसे ही दोस्तों हमारे घर पर हम लोग वॉल पुट्टी कर दिया था लेकिन वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी नहीं किया था। ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल भी एक ही है क्योंकि वॉल पुट्टी अप्लाई करने के बाद जब आपकी एक्सटीरियर वॉल पर या फिर इंटीरियर वॉल की बाथरूम पर किचन पर जब आपकी सीलन की वजह से आपकी पेंट पापड़ी बन के निखारना शुरू हो जाता है, हाथ में छूटता है, तब आपको एहसास होता है कि भैया वॉल पुट्टी करते समय अगर हम लोग वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करता तो आज ये जो खामियां जा है, ये जो प्रॉब्लम है, हमें नहीं देखना पड़ता। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे एशियन पेंट ट्रू केयर वॉल पुट्टी का एक ऐसी प्रोडक्ट जिसे अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप लोग बिल्कुल डैम्पनेस, नोना, सीपेज इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों एक अच्छा कंपनी का ब्रांड है एशियन पेंट का ट्रू केयर वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी। दोस्तों इस वॉल पुट्टी करने का खासियत यही है कि आपके घर में एक्सटीरियर में होता है क्या दोस्तों, हमारे घर की एक्सटीरियर में जब हम लोग वॉल पुट्टी अप्लाई कर देता है लेकिन कुछ ही दिनों में या तो हमारी वॉल पुट्टी पर हेयर क्रैक्स आ जाता है या फिर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाता है या फिर होता है क्या है कि पापड़ी बन के हमारा जो वॉल पुट्टी है वो छूट जाता है। दोस्तों एक आम बात है सभी घरों में थोड़ा बहुत एक्सटीरियर में खास करके दोस्तों होता है, लेकिन उसी एक्सटीरियर वॉल पर अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा दोस्तों, क्योंकि वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी में सिलिकॉन है, इसमें पॉलीमर के साथ हार्ड मटेरियल से बनाया हुआ होता है दोस्तों, ताकि जितने भी बारिश की झपटा या फिर किसी भी वेदर में जो पेंट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, क्योंकि हमारा पेंट के अंदर ही वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को हमने अप्लाई किया है। लेकिन दोस्तों कंपनी तभी इस वॉल पुट्टी का आपको वारंटी देगा जब वॉल पुट्टी के ऊपर आप लोग एशियन पेंट का डैम्प शीट वॉल प्राइमर को अप्लाई कर देंगे दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आप लोग चाहे कि हमें तो अगर वॉल पुट्टी अप्लाई करना है तो क्यों ना हम वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को अप्लाई करके वो सारे फीचर और सारे बेनिफिट हम अपने घर में ला सके। अभी डिटेल से बात करेंगे एशियन पेंट का ट्रू केयर वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी के बारे में दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो पैकेजिंग साइज है 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो और 40 किलो के बैग में आपको आराम से दोस्तों मिल जाएगा किसी भी पेंट शॉप पर। 40 किलो का इसका प्राइस है लगभग दोस्तों 1100 से लेकर 1200 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। अगर कवरेज एरिया की बात करें तो 1 किलो वॉल पुट्टी में दोस्तों आपका 15 से लेकर 20 स्क्वायर फीट आपका वॉल कवर देगा दोस्तों। याद रखना 2 कोट आपको करने का जरूरत है वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को दोस्तों, क्योंकि किसी भी वॉल पुट्टी अगर जब तक आप लोग 2 कोट नहीं करेंगे तब तक उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है कि भैया हमने तो वॉल पुट्टी कर दिया है लेकिन अगर आप लोग मोटा करके मोटा लेयर करेंगे वॉल पुट्टी के ऊपर तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपका वॉल पुट्टी जो है वो दोस्तों उखड़ने का चांसेस या फिर क्रैक्स आने का चांसेस आ जाता है और कंपनी आपको बिल्कुल भैया वारंटी भी नहीं देगा। इसलिए कंपनी का सीधे कहना है कि जब भी वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को आप लोग अप्लाई करें तो वॉल पुट्टी का थिकनेस कम से कम दोस्तों आपको 1.5 mm के बीच में ही आपको दोस्तों रखना है। 1.5 mm के बीच में वॉल पुट्टी का थिकनेस आपको दोस्तों रखना है, फिर आपको अप्लाई करना है। मिक्सिंग रेशियो की अगर बात करें कि भैया हमें किस तरह से ये वॉल पुट्टी मिक्स करना है तो 1 किलो वॉल पुट्टी में आप लोग दोस्तों 500 ml पानी मिक्स करके अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में आपको कम से कम दोस्तों 8 घंटा एक गैप देना होगा दोस्तों। होता है क्या है कि भैया और एक चीज कि वॉल पुट्टी जिस टाइम आप लोग मिक्सिंग कर चुका है, मिक्सिंग हो जाने के बाद 10 मिनट आपको रख देना है दोस्तों। 10 मिनट के बाद ही जो वॉल पुट्टी के अंदर चारों जो पॉलीमर होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और बबल की तरह दोस्तों उठता है, वो भी चारों तरफ दोस्तों खत्म होके एक अच्छा पेस्ट बन जाता है और वो पेस्ट हमें अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी हो या फिर नॉर्मल वॉल पुट्टी, वॉल पुट्टी 1.5 घंटे के अंदर आप लोग जितना भी वॉल पुट्टी अपने घर पर अप्लाई कर सकता है उतना ही वॉल पुट्टी को मिक्सिंग करने के लिए कहना आपकी घर में जो पेंटर आएगा उसको, क्योंकि 1.5 घंटे बीत जाने के बाद दोस्तों वो अगर वॉल पुट्टी आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसी वॉल पुट्टी पर आप लोग आपका जो क्रैक्स आने का चांसेस काफी हद तक हो जाता है दोस्तों।
इसलिए मेरे भाई इस चीज का ध्यान देना कि जितना ही एक से लेकर डेढ़ घंटे के अंदर आप लोग जितना वॉल पुट्टी आपका वॉल पर अप्लाई कर सकता है उतना ही दोस्तों आपको करना होगा। और मेरे भाई आज इस वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है कि पेंट से जुड़ी दोस्तों बहुत हर एक घरों में थोड़ा ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप लोग अगर किसी के घर में लाइक अगर घूमने के लिए जाएंगे तो उसके घर के एक्सटीरियर में या फिर इंटीरियर में देखना कि कहीं कहीं जगह में दोस्तों पेंट का जो हाल है वो बुरा हो चुका है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि सभी घरों में होता है। इसलिए दोस्तों पेंट करने से पहले जिस पेंट का अगर हम लोग उसी टाइम ट्रीटमेंट करेंगे कि किस जगह पर हमें क्या अप्लाई करना है, उसको अगर बारीकी से समझकर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आगे काफी हद तक दोस्तों जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग छुटकारा पा सकता है। और दोस्तों ट्रू केयर वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो सीधे हमें कमेंट करना, आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।